दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं कोटला मुबारकपुर में, और कोटला मुबारकपुर में ये जो मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ ये दुकान की, यहाँ पे भी एक फ्रॉड तरीके से डेरी चलाया जाता था। लोगों को यहाँ पे किस तरह से झूठ बोलकर उनसे पैसे लूटा जाता था, उन्हें असली घी की गारंटी देकर उन्हें नकली घी दिया जा रहा था। क्या आप देख सकते हैं कि मैं कोटला में हूँ इस वक्त, और इन्होंने पहले भी ऐसा किया है। पहले हम आपको बता दें कि इन्होंने नॉर्थ दिल्ली के अंदर शास्त्री नगर में, गुलाबी बाग जैसे इलाकों में भी लोगों के बीच जाकर इन्होंने अपनी दुकान खोली, और ये 6 दिन के लिए ही दुकान खोलते हैं। ऐसा ही एक दुकान कोटला में खुला, जैसे ही दिल्ली अप टू डेट को यह पता चला उसके बाद तुरंत दिल्ली अप टू डेट ने इस पर कार्यवाही करते हुए कोटला मुबारकपुर के जो थाना प्रभारी हैं उनको इन्फॉर्म किया, और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई के बाद ये लोग रात को ही फरार हो गए यहाँ से। आप देख सकते हैं यही दुकान खुली थी, इसमें नकली घी बेचा जा रहा था और किस तरह से लोगों को यहाँ पे लूटा जा रहा था। ये कोटला मुबारकपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मार्केट है, और मार्केट के बीच लोगों के बीच आकर वह किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। और लगातार इनका एक पूरा गैंग है जो पूरे दिल्ली में एक्टिव है, और किस तरह से कौन कौन से जगह पे जाके लोगों को लूटना है ये चीज़ ये लोग दिखाते हैं। यही वो दुकान थी जहां पर गोपाल डेयरी के नाम से वो दुकान को खोला गया था और पनीर बेचा जाता था, साथ में वो देसी घी का वादा करते थे। हम आपको बता दें कि उनके घी में मिलावट थी, जिसको लेकर दिल्ली अप टू डेट की टीम ने कोटला मुबारकपुर के थाना प्रभारी से कॉन्टेक्ट किया और उन्हें बताया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस दुकान को बंद करवा दी है। आप ये देख सकते हैं तस्वीरें, इस वक्त हम कोटला से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं।